कोई जाति को ट्रांसफर नहीं कर सकते, नहीं होना चाहिए उस तरह का, लेकिन हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसका मतलब हम लोग कमजोर और होते जा रहे हैं। आज मूत्र विसर्जन क्या और कुछ भी कर सकता है, बहुत तरह का हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और धीरे धीरे वो कमजोर होते जाएंगे और हम लोग मिटते जाएंगे। हम लोग का पहचान भी बचाना है, हम लोग को जो आदिवासी का जो पहचान है, पहचान भी धीरे धीरे मिटते जा रहा है, पहचान भी बनाए रखना है। भाषा है हम लोग को, जो अलग जो कल्चर है, हम लोगों को जो अलग रहन सहन है, सब मिटते मिटते जा रहा है। जो लोकसभा अधिवेशन होगा इसमें इसको इसको बिल बिल लेकर आए सरकार। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पे। यहां पे आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और यहां पे आप पोस्टर देख पा रहे होंगे कि यहां पे लिखा हुआ है कुर्मी कुर्मी महतो समन्वय समिति झारखंड बंगाल एवं उड़ीसा के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना। ठीक है, इस तरीके का ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जनजाति को, अनुसूचित जनजाति को सूची में सूचीबद्ध करने के लिए केंद्र सरकार को कार्यवाही हेतु दिवसीय धरना। तो वो देख के आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से ये लोग उन्होंने पोस्टर लगाया गया है, तो इन्हीं से हम लोग बात करेंगे। सर, कहाँ से हैं आप? हम लोग पुरुलिया से है, पश्चिम बंगाल का ये पुरुलिया, बांकुड़ा, मिदनापुर और झारग्राम है, जो जिसका जंगल महल बोलता है वहाँ से हम लोग है। और कुछ कुछ आदमी लोग झारखंड से भी है, उड़ीसा भी, उड़ीसा से भी आना है हम लोग का, वो मयूरभंज के जो और जो छोटनागपुर पटाऊ का अंडर में है। तो यहाँ पे आने का आपका मेन मुद्दा क्या है, मेन मकसद? मेन मुद्दा है कि हम लोग 1913 को जो सर्वे हुआ ब्रिटिश लोग किया था, उसमें 13 कम्युनिटी को एबोरिजिनल ट्राइब में रखा गया था। उसमें हम लोग का कम्युनिटी, कुर्मी कम्युनिटी, वो भी था। फिर 1931 में जो प्रिमिटिव लिस्ट बना, वो ब्रिटिश लोग बनाया, उसमें भी हम लोग था। लेकिन जब 1950 के बाद जब ये ट्राइबल लिस्ट बना, एसटी बना, तब हम लोगों को बात दिया, हटा दिया गया। और किस लिए हटाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हमको अभी तक नहीं बताया। मतलब अभी तक कोई कारण नहीं पता चला है कि आपको किस, मतलब किस वजह से हटाया गया है। आज प्रिंटिंग मिस्टेक है, कबू वगैरह वगैरह बोल रहा है, लेकिन सही कारण कुछ बताया नहीं। तो हम लोग 1978 से पहला मेमोरेंडम दिया था, वो जो केसरी जी जब ये था, स्पीकर था, तब हम लोग दिया था। और उससे बाद हम लोग ये आदिवासी कुर्मी समाज, पूर्वांचल आदिवासी कुर्मी समाज, ये सब हम लोग बनाया ऑर्गेनाइजेशन। और बहुत दिन से हम लोग ये लड़ रहा है कि हम लोग को फिर एसटी लिस्ट में आना चाहिए। है हम लोग का जो जो एसटी लिस्ट में होने का कारण है, वो सभी हम लोग का मौजूद है। तो अब मतलब आप लोग एसटी लिस्ट में नहीं आए हैं, तो आप मतलब कौन सी कैटेगरी में आपको दिया गया है? ये भी तो हम लोग ओबीसी कैटेगरी में है। ओबीसी कैटेगरी में है, लेकिन आपको वापस एसटी कैटेगरी में आ रहे हैं, मतलब ओबीसी कैटेगरी में आपको कोई फायदे नहीं मिल रहे हैं? नहीं, हम लोग तो एसटी है, हम लोग एसटी होना चाहते हैं, रीइंक्लूजन होना चाहते हैं, वापस से एसटी होना चाहते हैं, एसटी एसटी। केवल फायदा का ही नहीं, हम लोग का पहचान भी बचाना है। हम लोग को जो आदिवासी का जो पहचान है, पहचान भी धीरे धीरे मिटते जा रहा है, पहचान भी बनाए रखना है हम लोग को। उसके बाद फायदा का तो बात, वो तो बात की बात है, पहले पहचान भी होना है, पहचान मिट रहा है हम लोग का। तो इतना ये पुराना, मतलब आपका बहुत पहले से आपको हटा दिया गया, तो अब जाके आप लोग धरना प्रदर्शन? पहले से हो रहा है, लेकिन अभी जोर है, बहुत पहले से हुआ। आगे आपने सरकार से मांगे नहीं किए, मतलब हमको वापस एसटी में करे, क्या कारण नहीं पूछा कि किस वजह से आप लोगों को निकाल दिया गया? बहुत बार पूछा गया, कोई कारण बता नहीं रहे, बहुत बार पूछा गया, कारण नहीं बता रहे। अच्छा, और आपको वापस एसटी में आना है? आना है। लेकिन आपने नहीं देखा, नहीं हो, जैसे पिछड़े वर्ग को एक मध्य प्रदेश में खबर सामने आई थी कि वहाँ पे मूत्र विसर्जन, मतलब मूत्र करने का एक मामला सामने आया, इतने वो हो रही है, आप लोगों को ओबीसी, मतलब ओबीसी बोल कर रहे हैं, तो आपको उससे फायदा नहीं लग रहा है? फायदा मतलब किस तरह का, उस तरह का विसर्जन करने का जरूरी है, कोई मानवता का ये है, नहीं होना चाहिए उस तरह का, लेकिन हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसका मतलब हम लोग कमजोर और होते जा रहे हैं। आज मूत्र विसर्जन क्या और कुछ भी कर सकता है, बहुत तरह का हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और धीरे धीरे वो कमजोर होते जाएंगे और हम लोग मिटते जाएंगे। बस इसी का हम लोग का मांग है। मैडम, कोई जाति को ट्रांसफर नहीं कर सकता, जो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल में दिया था, जो वंस टाइम ऑफ ट्राइब, ही वाज वंस ऑलवेज इन ट्राइब, इसको खत्म कर दिया। और ओबीसी जो कैटेगरी बोल रहा है,
वही ओबीसी साचा नहीं है, हम लोग जो ओबीसी नहीं है। 8 लाख का केंद्र सरकार के समझिए, 8 लाख से जो यार ले क्रॉस कर गया तो ज़्यादा कुर्मी का क्रॉस कर गया, आज ज़्यादा भी दारिद्र में रहता है, तो इसके लिए ओबीसी कोई फायदा नहीं हम लोग का होगा। हम लोग का ओरिजिनल 1931 का एसटी बनाना चाहिए, जो वंस टाइप ऑफ ट्राइब ऑलवेज ट्राइब, ये लिए आज का मूवमेंट यह जंतर मंतर आया था, इसलिए केंद्र सरकार का वार्ता देने का बात लिए। आगे आपने सरकार को कुछ लिखा है, मतलब पहले से बहुत पहले से लिखा है, ज्यादा बार जस्टिफिकेशन हुआ, आरटीआई हुआ, ये जो सुनील महतो जी है ना हमारे यहाँ जो है मूल मानता है इसके लिए, तो ज्यादा से ज्यादा बार बहुत बार कर दिया, लेकिन कोई माने फैसला नहीं हुआ। स्टेट गवर्नमेंट भी दिया तो इस पर नहीं दिया, हम लोग का कोई ब्राह्मणवाद का जो कल्चर उसको बर्खास्त कर दिया। तो ये आपका पहला धरना प्रदर्शन है कि इससे पहले भी आपने कहीं और प्रदर्शन करे हैं? पहला है फर्स्ट फाइट फॉर एसटी, सेकंड मेरा जो लैंग्वेज है कुड़माली, थर्ड सरना धर्म, जो इसका धर्म है उसका जवन हिंदू धर्म है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, मेरा सरना धर्म है, इसका तोड़ दिया, इसका पुनराय प्रतिष्ठित करने का लिए यहाँ भी आया। सरकार ने कोई कारण नहीं बताया क्या, किस वजह से आप लोगों को हटाया? सब जगह खुचड़ी करता है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में एक राय हुआ है कि 1950 के पहले जो लोग ट्राइबल लिस्ट में है, एससी एबोरिजिनल वगैरह है, कोई डॉक्यूमेंट है इसी का, उसका कोई तकलीफ नहीं दिया जाएगा उसको। इतने ही लोग हैं या आप और भी लोग हैं जिनको हटाया गया? हमारा भाषा कुड़मी भाषा, एक कुड़मी भाषा है हमारा के सांस्कृतिक हमारा ऐतिह्य देह हमारा कोने के रे चास बास के दियो, हमारा कुड़मी रे सब बोका बोका जी ने हमारा के विभिन्न जाति हमारा के बोका बुनाई के राखी दिला के दिक्कती रे, हमारा बगल खाटियो, हमारा गोरु चोरायन, हमारा हार भाई कारा हार बहुत संप्रदाय हमारा भाषा डे के लोटी नहीं के हमारा मिछाई जाए से मुछाई जाए से सही बोल रहे हैं। बोलता है कि जो हम लोग का अलग जो भाषा है, हम लोग का जो अलग जो कल्चर है, हम लोगों को जो अलग रहन सहन है सब मिटते मिटते जा रहा है, तो हम लोगों का ये सब संरक्षण के लिए और हम लोगों का जो आइडेंटिटी है उसको ठीक ठाक रखने के लिए एसटी की जरूरत है हम लोग। ये बचाने के लिए आप लोगों को एसटी की जरूरत है। अधिवेशन होगा लोकसभा में, राज्यसभा में मेरा डिमांड है जो अधिवेशन से ही एसटी को रिकॉग्निशन इन द एसटी लिस्ट में करा जाइए, ठीक है? अगला जो अधिवेशन होगा, इसीलिए हम लोग आए हैं कि अगला ये जो लोकसभा अधिवेशन होगा इसमें इसको बिल लेकर आए सरकार, ये मांग लेकर हम आए हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से यहाँ पे आपने देखा ये कुड़मी समाज के लोग हैं, ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग पहले एसटी में थे, इनको निकाल दिया गया, इनको वापस एसटी में लाया जाए, इनको ओबीसी का कैटेगरी में दे दिया गया, पर इनको ओबीसी कैटेगरी नहीं चाहिए, इनको वापस एसटी चाहिए, क्योंकि मतलब इनका जो वर्ग है वो खत्म होता जा रहा है, तो एसटी इनको बचा के रख सकता है। तो आप इनकी बात से कितना सहमत है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरामैन आशीष के साथ नूरजहां, जनतावाज़।